प्रश्न एक, योगफल ज्ञात करें। प्रश्न एक है 11/17। जोड़ 40/17। 11/17 जोड़ 40/17, तो योगफल ज्ञात करना है, यानी इसको जोड़ना है। तो यहां पे हर में क्या है, 17 है। 11/17 में हर क्या है, 17, और 40/17 में हर है 17। तो 17 17 का लघुत्तम क्या होगा, 17। 17 17 का लघुत्तम क्या होगा, 17। तो यहां पे हर बराबर है, देखिए यहां भी 17 है, यहां भी 17 है, और इन दोनों का लघुत्तम क्या होगा, 17। तो जब हर बराबर है तो अंश में जो है उसी को लिख देंगे, यानी 11 जोड़ 40। तो इसका उत्तर हो जाएगा 11 जोड़ 40 कितना होगा, 40 10 85 51, 51/17, 51/17। 17 के पहाड़ा में 51 आता है, तो 17 3 51 काट लेंगे, यानी इसका उत्तर होगा 3। तो 11/17 जोड़ 40/17 कितना होगा, 3। दूसरा, दो बटा पंद्रह जोड़ 4/15। 2/15 और 4/15 को जोड़ना है, तो 15 और 15 का लघुत्तम 15 होगा। 15 और 15 का लघुत्तम क्या होगा, 15। तो यहां भी 15 है, यहां भी 15 है, यानी हर बराबर है दोनों का। तो अंश में जो है उसी को लिख देंगे, यानी 2 जोड़ 4 कितना हो गया, 4 2 6, यानी 6/15। 6/15। अब 3 के पहाड़े में आता है, देखिए 3 2 6 3 5 15, यानी इसका उत्तर होगा 2/5। इसका उत्तर क्या होगा, 2/5। तो 2/15 जोड़ 4/15 क्या आएगा, 2/5। तीसरा, तीसरा प्रश्न है, एक पूर्णांक 3/5 जोड़ 2 पूर्णांक 4/5। तो एक पूर्णांक 3/5 जोड़ 2 पूर्णांक 4/5 है। तो पहले पूर्णांक तोड़ेंगे, 5 गुना 1 5 5 3 8, यानी 8/5 जोड़ 5 2 10 10 4 14, 14/5। तो पहले पूर्णांक तोड़ लेंगे, 5 गुना 1 5 5 3 8, 8/5 जोड़ 5 2 10 10 4 14, 14/5 हो गया। अब यहाँ पे हर बराबर है, देखिए 5 यहाँ भी है 5 यहाँ भी है, तो 5 और 5 का लघुत्तम 5 हो जाएगा। हर बराबर है तो अंश में जो है उसी को लिख देंगे, यानी 8 जोड़ 14, 8 जोड़ 14, 14 8 कितना हो गया, 22, यानी 22/5, 22/5। अब 22 को 5 से भाग देंगे, तो 5 चौक 20, 5 चौक 20, 22 में से 20 गया तो 2, यहां पे 2 लिखेंगे और 5, तो इसका उत्तर होगा 4 पूर्णांक 2/5। तो 1 पूर्णांक 3/5 जोड़ 2 पूर्णांक 4/5 क्या होगा, 4 पूर्णांक 2/5। प्रश्न 4, 2/3 जोड़ 1/7। 2/3 जोड़ 1/7, तो 3 और 7 का लघुत्तम क्या होगा, 3 7 21, 3 और 7 का लघुत्तम, तो 3 और 7 का लघुत्तम होगा 21। देखिए 3 और 7 किसी भी संख्या से नहीं कटता है दोनों, तो क्या करेंगे, दोनों को गुना कर देंगे, तो 3 और 7 का लघुत्तम होगा 3 7 21। तो 3 7 21, देखिए 3 से 21 7 बार में कटता है, तो 7 और 2 को गुना कर देंगे, 7 दूना 14 जोड़ 7 से 21 3 बार में कटता है, 7 3 21, तो 3 गुना 1 क्या हो जाएगा, 3। 7 से 21 3 बार में कटता है, तो 3 और 1 को गुना कर देंगे, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे। 7 से 21 कितना बार में कटता है,
तीन बार में, तो 3 गुना 1 3, 7 3 21, तो 3 गुना 1 3 कितना होगा इसका उत्तर, 14 3 17, 17/21, इसका उत्तर क्या होगा, 17/21। प्रश्न 5, 4/9 जोड़ 2/7, 4/9 जोड़ 2/7, तो 9 और 7 का लघुत्तम हो जाएगा 9 7 63, 9 और 7 का लघुत्तम क्या होगा 9 7 63, तो 9 7 63, तो 7 4 28 जोड़ 7 9 63, तो 9 2 18, तो 9 से 63 सात बार में कटता है, तो 7 और 4 को गुना कर देंगे, तो 7 4 28, 7 से 63 नौ बार में कटता है, 7 9 63, तो 9 2 18। अब इसको जोड़ेंगे, 28 18 8 8 16, हाथ में रहा 1 2 1 3 1 4, यानी 46/63, इसका उत्तर क्या होगा, 46/63। प्रश्न 6, प्रश्न 6 में है 2/21 जोड़ 4/7, 2/21 जोड़ 4/7, तो 21 और 7 का लघुत्तम क्या होगा, 21 और 7 का लघुत्तम होगा, तो 21 7 से कट जाता है, यानी 21 और 7 का लघुत्तम हो जाएगा 21, 21 और 7 का लघुत्तम क्या होगा 21, तो 21 से 21 एक बार में कटता है, तो 1 गुना 2 2 लिख लेंगे, जोड़ 7 से 21 तीन बार में कटता है, देखिए 7 3 21 तीन बार में कटता है, 7 से 21, तो 7 3 21, तो 3 और 4 को गुना कर देंगे, 4 3 12, 7 3 21, तो 3 4 12, तो कितना हो गया इसका उत्तर, 12 2 14/21, यानी इसका उत्तर हो जाएगा 14/21। अब देखिए ये कट रहा है, ठीक है, ये कट रहा है, 7 के पहाड़ा में आ रहा है दोनों, 7 के पहाड़ा में 14 भी आता है, 7 के पहाड़ा में 21 भी आता है, तो 7 2 14 7 3 21, तो इसका उत्तर हो गया 2/3, इसका उत्तर क्या हो गया 2/3। प्रश्न 7, 2 पूर्णांक 3/4 जोड़ 5 पूर्णांक 5/6, 2 पूर्णांक 3/4 जोड़ 5 पूर्णांक 5/6, तो पहले पूर्णांक तोड़ेंगे, 4 2 8, 8 और 3 को जोड़ेंगे, तो 11, यानी 11/4 हो जाएगा, 4 2 8, 8 और 3 को जोड़ेंगे, तो 11, यानी 11/4 जोड़ 6 5 30, 6 5 30, 30 5 35, यानी 35/6 हो जाएगा, तो 11/4 जोड़ 35/6, ठीक है। अब 4 और 6 का लघुत्तम क्या होगा, देखिए 4 और 6 का लघुत्तम, तो 4 और 6 का लघुत्तम होगा 12, कैसे होगा, देखिए 4 और 6 में कौन बड़ा है, 6 बड़ा है, तो 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 6 2 12, 6 का 6 6 2 12, 12 देखिए 4 से कट जाता है, ठीक है, तो 12 हो जाएगा 6 और 4 का लघुत्तम। निकालेंगे तो कितना आएगा 12, अब 4 से 12 तीन बार में कटता है, देखिए 4 3 12, तो 11 3 33 यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे 33, कैसे 4 से 12 तीन बार में कटता है, तो 11 और 3 को गुना करेंगे, तो 33, 6 से 12 दो बार में कटता है, 6 2 12, तो 35 2 70, तो 33 जोड़ 70 कितना आ जाएगा, 3 7 3 10, यानी 103/12, 103/12। अब 103 को 12 से भाग देंगे, 103 को 12 से भाग देंगे, तो 12 8 96, 96 7 103 होता है, तो यहाँ पे 7 लिख लेंगे और यहाँ पे 12, तो 8 पूर्णांक 7/12 इसका उत्तर होगा।
आठ पूर्णांक सात बटा बारह। प्रश्न आठ, तीन पूर्णांक दो बटा नौ जोड़ चार पूर्णांक पांच बटा नौ। तीन पूर्णांक दो बटा नौ जोड़ चार पूर्णांक पांच बटा नौ। तो पहले पूर्णांक तोड़ लेते हैं, नौ तिया सत्ताईस, सत्ताईस में दो जोड़ेंगे तो उनतीस, उनतीस बटा नौ जोड़ नौ चौक छत्तीस, छत्तीस पाँच इकतालीस बटा नौ। तो देखिए नौ तिया सत्ताईस, सत्ताईस में दो जोड़ेंगे तो उनतीस, तो उनतीस बटा नौ जोड़ नौ चौक छत्तीस, छत्तीस पाँच इकतालीस, इकतालीस बटा नौ। नौ और नौ का लघुत्तम क्या होगा, नौ, नौ और नौ का लघुत्तम नौ होगा। तो अंश में जो है उसको लिख देंगे उनतीस जोड़ इकतालीस। अब इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे हर बराबर है नौ नौ, तो अंश में जो है उसको यहाँ पे लिख लेंगे। अब इसको जोड़ने पे कितना आ रहा है, नौ एक दस, नौ एक दस, हाथ में रहा एक, चार दो छः एक सात, यानी सत्तर बटा नौ। कितना आ गया, सत्तर बटा नौ। अब सत्तर को नौ से भाग देंगे तो नौ सत तिरसठ, सत्तर में से तिरसठ गया तो सात आ जाएगा, तो शेषफल सात, शेष को यहाँ पे लिखते हैं और नौ को यहाँ पे लिख लेंगे, यानी सात पूर्णांक सात बटा नौ इसका उत्तर होगा, सात पूर्णांक सात बटा नौ। प्रश्न नौ, चार पूर्णांक सात बटा दस, चार पूर्णांक सात बटा दस जोड़ पांच पूर्णांक ग्यारह बटा पंद्रह। चार पूर्णांक सात बटा दस जोड़ पांच पूर्णांक ग्यारह बटा पंद्रह। तो पहले पूर्णांक तोड़ लेते हैं, दस चौक चालीस, चालीस सात सैंतालीस, सैंतालीस बटा दस जोड़ पंद्रह पचे पचहत्तर, पचहत्तर और ग्यारह कितना होगा, पचहत्तर दस पचासी एक छियासी, यानी छियासी बटा पंद्रह। अब यहाँ पे दस और पंद्रह का लघुत्तम, तो दस और पंद्रह का लघुत्तम हो जाएगा तीस। कितना होगा, तीस, दस और पंद्रह का लघुत्तम हम निकालेंगे तो कितना आएगा, तीस आएगा, ठीक है। तो दस और पंद्रह का लघुत्तम होगा तीस। अब दस तिया तीस, देखिए दस से तीस तीन बार में कटता है, दस तिया तीस तो सैंतालीस तिया, सैंतालीस को तीन से गुना करेंगे क्योंकि दस से तीस तीन बार में कट रहा है, तो सैंतालीस को तीन से गुना करेंगे तो सात तिया इक्कीस, हाथ में रहा दो, चार तिया बारह दो चौदह। तो देखिए सैंतालीस को तीन से गुना करेंगे तो एक सौ इकतालीस आएगा, सात तिया इक्कीस, हाथ में रहा दो, चार तिया बारह दो चौदह। पंद्रह दूना तीस, पंद्रह से तीस दो बार में कटता है तो छियासी दूना, छः दूना बारह, आठ दूना सोलह एक सत्रह, एक सौ बहत्तर आ जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे, दो एक तीन, सात चार ग्यारह, हाथ में रहा एक, एक एक दो एक तीन, तीन सौ तेरह बटा तीस, तीन सौ तेरह बटा तीस। अब यहाँ पे तीन सौ तेरह को तीस से भाग देंगे तो देखिए तीस गुना एक तीस, एक इधर गया तो तेरह हो गया, तो तेरह नहीं लग रहा है तो यहाँ पे शून्य दे देंगे। अब तेरह शेषफल हो जाएगा तो तेरह को यहाँ पे लिखेंगे और तीस से भाग दे रहे हैं तो तीस को यहाँ पे लिखेंगे। तो देखिए तीस गुना दस कितना हो गया, तीन सौ, तीन सौ और तेरह को जोड़ेंगे तो तीन सौ तेरह, तो तीन सौ तेरह बटा तीस, ठीक है। तो तीन सौ तेरह को तीस से भाग देंगे तो क्या होगा, दस पूर्णांक तेरह बटा तीस इसका उत्तर, दस पूर्णांक तेरह बटा तीस।